नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ग्रेपसून चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक डिटेल बाइंग गाइड जहां हम एक्सप्लोर करेंगे 65 इंच QLED टीवी विद डॉल्बी एटमोस के साथ, जो आपके घर को एक नए लेवल का सिनेमेटिक पैराडाइज बनाएंगे। हमने केयरफुली सेलेक्ट किया है आपके लिए टॉप 5 QLED टीवी जिनके साथ आता है नॉट जस्ट परफेक्ट पिक्चर क्वालिटी लेकिन डॉल्बी एटमोस जैसे फीचर्स भी, जो आपको देंगे एक इमर्सिव थिएटर लाइक एक्सपीरियंस। तो अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं ये अमेजिंग जर्नी। मैंने कस्टमर्स के रिव्यू के अनुसार जो बेस्ट टीवीज हैं उनको सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों, अगर आप रेडी हैं अपने घर के इंटरटेनमेंट को अपग्रेड करने के लिए तो वीडियो को देखें एंड तक और चूज करें अपने लिए परफेक्ट QLED टीवी। और हाँ दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को परचेज भी कर सकते हैं। लेट्स डाइव इन। तो दोस्तों, पांचवें नंबर पर है कोडक का 65 इंचेस 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट QLED गूगल टीवी। दोस्तों, अगर आप एक बढ़िया टीवी ढूंढ रहे हैं तो कोडक का 65 इंच का 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट QLED गूगल टीवी एक सॉलिड ऑप्शन है। इसमें 3840x2160 रिजोल्यूशन है और 60Hz रिफ्रेश रेट है, मतलब कि विजुअल्स का मजा ही अलग है। इसके 40 वाट के स्पीकर हैं जिसमें डॉल्बी एटमोस भी है, तो साउंड क्वालिटी भी मस्त है। इस टीवी में मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन है जैसे कि डुअल बैंड वाईफाई, 3 HDMI पोर्ट और भी बहुत कुछ। तो गेमिंग कंसोल, सेटअप बॉक्स सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं आराम से। इसमें MEMC टेक्नोलॉजी भी है जो एक्शन पैक्ड सीन को और भी स्मूथ बना देती है। गूगल असिस्टेंट भी है जिसे आप वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ₹49,999 है। थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन क्वालिटी के हिसाब से जस्टिफाइड है। कस्टमर ने इसकी 4.5 रेटिंग दी है और उनको टीवी का रंग, परफॉर्मेंस, आवाज की क्वालिटी और टीवी की क्वालिटी पसंद आती है। उन्होंने कहा है कि ब्लैक परफेक्ट है और व्यूइंग एंगल भी वाइड है। इंस्टॉलेशन भी बहुत इजी है और टीवी का इंटरफेस भी इजी नेविगेशन अलाउ करता है। कस्टमर को वैल्यू, अपीयरेंस और पिक्चर क्वालिटी से भी खुशी मिलती है। ओवरऑल सब कुछ पॉजिटिव फीडबैक है। वही चौथे नंबर पर है हाइसेंस का 65 इंचेस 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट IPS QLED टीवी। दोस्तों, अगर आप एक और सॉलिड ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो हाइसेंस का 65 इंचेस का 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट IPS QLED टीवी भी एक मस्त चॉइस है। इसमें QLED टीवी है जिससे विजुअल एक्सपीरियंस और भी बेहतर होता है और इसमें 4 HDMI और 2 USB पोर्ट्स हैं जिससे गेमिंग कंसोल, सेटअप बॉक्सेस कनेक्ट करने में मजा आएगा। इस 65 इंच टीवी को आप डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.1 से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और साउंड क्वालिटी की तो टेंशन मत ले क्योंकि इसमें 24 वाट्स के स्पीकर हैं जिसमें डॉल्बी एटमोस भी है। पिक्चर क्वालिटी का क्या कहना, 4K अल्ट्रा HD के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट है, मतलब इंटरटेनमेंट का डबल डोज मिलेगा आपको। और OTT प्लेटफॉर्म का तो फुल एक्सेस है, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, G5 सब कुछ है इसमें। इस हाइसेंस टीवी में हाई व्यू इंजन 240Hz MEMC है जिससे रियल टाइम पिक्चर क्वालिटी ऑप्टिमाइज होती है और मोशन भी स्मूथ होता है। इसमें एक स्पेशल स्पोर्ट मोड और गेम मोड भी है। प्राइसिंग की बात करें तो 76,999 है, थोड़ा सा ऊपर है लेकिन फीचर्स के हिसाब से जस्टिफाइड है। इसको 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और कस्टमर को टीवी की क्वालिटी, वैल्यू और आवाज की क्वालिटी पसंद आई है। जैसे कि उनका कहना है कि यह एक इनक्रेडिबल व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और प्रीमियम फील आता है। कस्टमर को ब्राइटनेस और परफॉर्मेंस से भी ने भी काफी प्रभावित किया है, लेकिन कुछ लोगों को स्मूथनेस और कलर में कुछ मतभेद हैं। ओवरऑल ये टीवी पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। तीसरे नंबर पर है वू का 50 इंचेस ग्लो सीरीज 4K अल्ट्रा स्मार्ट एंड्रॉइड QLED टीवी। दोस्तों, ग्लो सीरीज का 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट एंड्रॉइड QLED टीवी एक सॉलिड चॉइस है क्योंकि वू इंडिया का एक तेजी से बढ़ने वाला टीवी ब्रांड है और इनकी टीवी ड्यूरेबल और बेस्ट इन क्वालिटी के लिए जानी जाती है। इस टीवी में 120Hz रिफ्रेश रेट है और 4K रिजोल्यूशन 4K हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले के साथ आता है जिससे गेमिंग का एक्सपीरियंस भी काफी इमर्सिव होता है। इसमें एडवांस GPU, APU और HDR गेमिंग भी है। OTT एक्सपीरियंस के लिए भी यह टीवी काफी सीमलेस है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, डिज्नी हॉटस्टार सब कुछ एक ही जगह से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो 2024 में बेस्ट QLED टीवी में से एक है। वो मास्टरपीस टीवी में एक पावरफुल न्यू जनरेशन क्वाड कोर प्रोसेसर और 3GB रैम है जिसे एंड्रॉइड इंटरफेस बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। डिजाइन की बात करें तो स्लीक अरमानी गोल्ड 4.1 स्पीकर और 100W साउंड सिस्टम विद बिल्ड इन सबवूफर भी है जिसे टीवी का लुक फ्यूचरिस्टिक और किसी एक्स्ट्रा साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। प्राइसिंग की बात करें तो 68,999 है, जो कि फीचर के हिसाब से बहुत रीजनेबल है। वही कस्टमर ने 4.5 की स्टार रेटिंग दी है और कस्टमर्स को टीवी की वैल्यू, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, कलर और अपीयरेंस पसंद आती है। फॉर एग्जांपल उनका कहना है कि वायरलेस नेटवर्क पर अच्छे से काम करता है और एक बहुत अच्छा पैनल है। ओवरऑल ये टीवी कस्टमर को बहुत अच्छा लग रहा है। वही दूसरे नंबर पर मैंने जो टीवी सेलेक्ट किया है वो है OnePlus का 65 इंचेस Q सीरीज 4K अल्ट्रा HD QLED स्मार्ट टीवी। यह टीवी अपने हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। इस 65 इंचेस टीवी में आपको घर में थिएटर लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा और QLED डिस्प्ले से विजुअल एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग होता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट है जिससे विजुअल्स और ऑनलाइन गेम
इंजन का रिस्पांस टाइम अल्ट्रा फास्ट होता है। वन प्लस टीवी में गामा इंजन का सबसे पावरफुल वर्जन है और इसमें 70 वाट के मैसिव स्पीकर हैं, 40 वाट आउटपुट होरिजन साउंड बार से और 30 वाट आउटपुट सबवूफर से, जिससे घर में सिनेमेटिक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। प्राइसिंग की बात करें तो 87,819 है, थोड़ा सा ऊपर है लेकिन फीचर और क्वालिटी के हिसाब से जस्टिफाइड है। 4.1 रेटिंग के साथ कस्टमर्स को टीवी की वैल्यू, पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, उनका कहना है कि इस प्राइस में यह एक अच्छा प्रोडक्ट है। ब्राइटनेस और क्लैरिटी भी बहुत अच्छी और कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों का ओपिनियन परफॉर्मेंस पर मिक्स है। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को थोड़ा सा डाउट है। ओवरऑल ये टीवी कस्टमर्स के लिए अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। वही दोस्तों, नंबर वन पर मैंने जो टीवी सेलेक्ट किया है वो सैमसंग का 65 इंच का 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट QLED टीवी है, जो एक अपना चॉइस है। सैमसंग तो आप लोगों को पता ही है, एक ट्रस्टेड ब्रांड है जो स्मार्ट LED और QLED टीवी बनाती है, और ये टीवी उनके लिए लेटेस्ट फीचर और टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो कंज्यूमर फ्रेंडली इसको बनाता है। इस सैमसंग टीवी में 4K क्वांटम प्रोसेसर है जो इंटेलिजेंट तौर पर पिक्चर, साउंड और ओवरऑल परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। ये 65 इंच का QLED टीवी 4 HDMI और 2 USB पोर्ट के साथ आता है, जिससे कनेक्टिविटी काफी अच्छी होती है। 4K अल्ट्रा HD के साथ 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, जिससे क्रिस्टल क्लियर इमेजेस और विजुअल्स मिलते हैं। स्मार्ट टीवी फीचर्स की बात करें तो इसमें मिररिंग, टैप व्यू, ऑटो गेम मोड और भी बहुत कुछ लोडेड है। इस टीवी में 20 वाट्स के स्पीकर हैं, जिसमें डॉल्बी डिजिटल प्लस और एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर भी है। बिल्ट इन हब के साथ आपको एडिशनल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती, कनेक्टिविटी का मजा ऐसे ही मिलता है। प्राइसिंग की बात करें तो 1,29,990 है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन फीचर्स और परफॉर्मेंस के हिसाब से जस्टिफाइड है। इसको कस्टमर ने 5 स्टार की रेटिंग दी है और यह टीवी प्राइस रेंज में एक जबरदस्त ऑप्शन है। इसकी पिक्चर क्वालिटी और गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों काफी मस्त है। हाई क्वालिटी 4K टीवी चाहिए तो ये परफेक्ट है, लेकिन नेचुरली लाइटेड हॉल के लिए थोड़ा कम ब्राइट है। एक कस्टमर इसके एक्सीलेंट कंट्रास्ट रेशियो और HDR के लिए वाइड एंगल गैमट को कमाल का बताया है। इसके फास्ट रिस्पांस टाइम और लो इनपुट लैग से गेमिंग और PC यूज में मजा आता है। रिफ्लेक्शन हैंडलिंग और लो रेजोल्यूशन अप स्केलिंग भी डिसेंट है। सैमसंग की ओवरऑल परफॉर्मेंस ने कस्टमर को कन्विंस किया है। क्यू प्रोसेसर 4K और मोशन एक्सीलेटर टर्बो प्लस कंटेंट को और भी अच्छा बनाते हैं, लेकिन वो भी देखते वक्त सजेस्ट करता हूँ इसको ऑफ करें, नहीं तो 100 पुपेरा इफेक्ट ही होगा। अगर आप ये पूछते हैं QLED और 4K में कौन बेहतर है, तो QLED 4K टीवी से आपको डेफिनेटली बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें हाई ल्यूमिनेंस है और क्वांटम प्रोसेसर 4K मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है अप स्केल करने में लो डिफिनेशन कंटेंट को 4K पिक्चर क्वालिटी में। दोस्तों, अगर आप एक नया टीवी खरीद रहे हैं तो आप अपने बजट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से एक बेहतर टीवी चूज करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।